हेलो। हाँ दीदी। राधे हाँ राधे राधे, कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ मम्मी देवी सोनी बोल रही हूँ, लड़किया बुला के। गुरु जी बताइए। जी हम बहुत परेशान है, सब तरह से तो लाऊं तारीख वगैरह बताइए ना। पैसा 3 9 ग्यारह समय बताइए। बज के 10 मिनट पर आए 11:10। कहाँ का जन्म है? बेटिया बना दे रही गाँव। बहन जी एक मिनट लाइन पर रहिए, पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं, ठीक है? आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के सामने उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा है, बताइए सही है कि गलत। और इसी तिराहे चौराहे पर एक महिला रहती हैं, जिनके बाल खुले रहते हैं, सफेद कपड़े पहनती हैं। या तो वह महिला विधवा होनी चाहिए, या वह महिला किसी अस्पताल में नर्स होनी चाहिए, जो अक्सर सफेद ड्रेस या सफेद कपड़े पहनती हैं, सामने उल्टे हाथ तरफ रहती हैं, ऐसा है कि नहीं, बताइए। ये तो नहीं पता, मैंने मतलब देखी कभी। आपके घर के सामने ही कोई एक बहुत उम्रदराज, जिनकी बहुत ज्यादा उम्र है, ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं? ज्यादा उम्र किसी नहीं है, हमारी उम्र के बराबर है सामने। आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, आपके घर के सामने तिराहे तरफ सरकारी नौकरी में थे, उम्र ज्यादा है, देखिए कोई है? हाँ। सरकारी नौकरी थी, अभी खत्म हो गए? बहुत उनको तो नहीं कितनी उम्र थी उनकी? के आसपास। नहीं, कोई और होंगे, पर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये बताइए, आपको इस समय नाना प्रकार की चिंताओं ने घेर रखा है पिछले 1.5-2 साल से, सही है? बहुत चिंता आएगी तो बच्चे भी वहां पर लगे, आपको पता ही है। नहीं, हमें नहीं और पता, सौरभ हमें नहीं बताया आपने। नाम का गोपाल ने, गोपाल स्वामी ने बात करी थी। कब बात करी थी? और हो रहा है गुरु जी, वही 10-12 दिन बहन हो रहे हैं, घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है। जी, घंटा भर पहले का तो हमको याद नहीं रहता, किस किस का याद रखें, इतने फोन आते हैं। घर में कलेश बहुत ज्यादा रहते हैं, शरीर की बीमारी घेर रहे हैं, सब तरह से परेशान है बेटी। देखिए, बीमारियों से आप लोग तब से परेशान हुए हैं जब से आप लोगों ने कहीं कोई बाथरूम बनवा लिया है गलत जगह में। कुंडली बताती है दरवाजे के पास ही कोई बाथरूम वगैरह बनाया है क्या? जी बनाए हैं। बस उसके बाद से ही आप परेशान हो गए, क्या ये सही है कि गलत है? ज्यादा कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए कि 5-6 साल हो गए? होने 7-8 साल से तो 10-12 साल हो गए, 10-12 साल। तभी से परेशान हो गई। ये बाथरूम बनाने के बाद ही आप परेशान हैं, ये कुंडली बताती, सही बात है? हाँ सही है। हाँ ये 2009 के आसपास बना था, हाँ अक्टूबर 2009 के पहले, है ना? हाँ तब से आप लोग परेशान हैं। बहुत ज्यादा है अंग्रेजी परेशान तो। इसके बाद क्या क्या परेशानी हुई वो हम बता रहे हैं। ना तो धन टिक रहा है, सही है ना स्वास्थ्य अच्छे हैं। नहीं। अच्छा, क्या इसके बाद, ये बाथरूम बनाने के बाद पड़ोसियों से तकरार, पड़ोसियों से झगड़ा, पड़ोसियों से बुराइयां होने लगी हैं, सभी है क्या? हाँ सब बुराई तो पड़ोसी है तो गांव के मतलब सभी जगह बुरानी बुराई जिनके केस में फसाए जा रहे हैं, जहां मतलब है ही नहीं, वहां पर कौन केस लगाया जा रहा है। तो ये जो बाथरूम है इसको अब तोड़ना चाहिए अपने को।
आम जैसी लोकेशन पे इसको तोड़ दें, दरवाजे के पास ही जो बाथरूम बना है हाँ, या इसका उपयोग बंद कर दें। इसका उपयोग बंद करके साफ सूफ करके उसको गोडाउन टाइप का कुछ बना दें हाँ, तो आप लोग सुखी हो जाएं। इसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी। और कुछ जानना चाहती हैं? जी, घर में कलेश मचोरत बहुत ज्यादा और शरीर भी मतलब बीमार बहुत ज्यादा लग रही है। शुगर 1-6 से चल रही है और पांव में सब तरह से परेशान है। गुरु जी, ये आपने जो व्यक्ति को बताया था उस दिन चौरस में, तो ऑर्डर भी कर दिया है 1100 भेज जाएगी। हाँ तो वो कब तक आएगी? फिर मिल जाएगी पैसा, आपको रुपया सुरक्षित है, आप चिंता ना करो। नहीं, धूप बत्ती की कह रहा हूँ, धूप बत्ती जल्दी भेज देंगे। आपने भेज दिया है तो पैसा आ गया है तो मिल जाएगी, बस भेज नहीं पाए थे। हमें 3-4 दिन वायरल बुखार हो गया था, सर्दी बुखार, उसी के कारण 3-4 दिन लाइव नहीं आए थे। अभी मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। ये बाथरूम तोड़वाया जाए बहन जी, और एक एक चंद्रमणि और एक ओपल आप धारण करें। चंद्रमणि और ओपल आप धारण करेंगे ना तो आपको बहुत राहत मिलेगी। जी, आपने सौरभ को बताया था उपाय नदी में पत्थर चिन्ह लगा के? हाँ, तो वो कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए है, आपके लिए थोड़ी है। हाँ, नहीं हमारे लिए नहीं, बच्चा के लिए। हाँ, तो उनको करने दे, बताए नहीं, जो उपाय बताया है उसको चुपचाप करें। ये झूठी सजाया जा रहा है, जाके लिए क्या करें? ये बाथरूम तोड़ दो, हम बोल तो रहे हैं पड़ोसियों से झगड़ा मुकदमा विवाद ये सब शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बाथरूम आप तोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। इस बाथरूम का उपयोग करना बंद कर दें आप लोग तो आपको राहत मिल जाएगी। 2-4 महीने करके देख लो ना, घर का बाथरूम है बंद कर दो, उसमें क्या है। एक चंद्रमणि और एक ओपल धारण करें और हनुमान बाहुक सुने। हमारे यूट्यूब भविष्यफल चैनल में हमारे द्वारा अपलोड किया गया हनुमान बाहुक है, इसको आप निरंतर सुने। आप सुनते हैं सवेरे हनुमान बाहुक सुन लिया करें, बड़े अच्छे परिणाम आएंगे बहन जी, है ना। हाँ। 2 महीने सुन लें रोजाना एक पाठ, तो कम से कम एक पाठ सुन लें तो आपको चमत्कारिक परिणाम 1.5 महीना में मिल जाएगा बीमारी से बचने के लिए। ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है बहन, ठीक है।